डॉक्यूमेंट्स तो मेरे पास ये पूरी गुलाम हैदर की फाइल बनी हुई है जिसमें ये सीमा हैदर का निकानामा है और ये सारा पूरा फाइल है। क्या मैं आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाऊं? ये पूरा बंच बना हुआ है सीमा हैदर के केस का। तो अभी कुछ डॉक्यूमेंटेशन आए हैं जो इस सीमा हैदर के जो झूठ था उस झूठ का मुंह काला करेगा। वो डॉक्यूमेंट जो अहम है तो वो इंशाल्लाह चंद ही दिनों में आप तमाम लोगों के सामने रखेंगे। तो उनको जाके पाले कि मेरी बेटे को पीछे क्यों पड़े हैं ये कि अपने बाप कहने से सोतेला बाप है, सेकंड पाप है उनके, वो उनके कहने पे या किसी के कहने पे भी है मेरे बच्चे मेरे हैं ना। वो पहले दावेदार थे ना, पाकिस्तान में भी वो बच्चों के दावेदार नहीं थे, बच्चों के साथ ही नहीं थे, वो छोड़ के जा चुके। कौन से हक से कह रहे हैं बच्चे बच्चे बच्चे? आप बड़ा लड़का थोड़ा बहुत बड़े लड़के को याद हो तो याद, उनको भी याद शायद ना हो। मेरे छोटे बेटे छोटे छोटे हमें छोड़ के जा चुके हैं, अभी वो छोटी हैं। तो मेरी बेटियां हैं सर, तीन तीन बेटियां हैं मेरी। तो मैं नहीं चाहूंगी हैदर की पहली बेटी की तरह मेरी बेटियों की जिंदगी खराब हो। और सर आपको एक बात बता दूं, अगर मेरी बेटियां वहां जाएंगी तो उनकी जिंदगी खराब हो जाएगी। सर ये जंगली लोग हैं, इनको मेरी सजा मेरी बेटियों को देगी। तो मैं मुझे नहीं लगता कोई भी कानून माँ से बेटियां जुदा कर। पाकिस्तान में भी कभी नहीं पूछते थे आप यहाँ के, कभी भूल के पाकिस्तान में उन्होंने उनका नाम नहीं लिया था। मेरे अब्बू को ये सब कहते थे तुम्हारा बाप कौन है, तो मेरे अब्बू का नाम लेते थे रजा मेरा बाप, क्योंकि हम अब्बू को अब्बू कहते थे, ये भी अब्बू को हमारे अब्बू को अब्बू ही कहते थे क्योंकि उनको ये बात समझते थे कि हमारे साथ मेरे अब्बू रहते थे। अपने नाना को अब्बू समझते थे, जिंदगी उनको देखा नहीं, ना दादा देखा ना चाचा देखा, आज दावेदार बन रहा है। ये कौन सी बात है सर? नहीं खोलेंगे, वो दुश्मन है, वो कभी हमारा अच्छा नहीं सोचेगा, तो वो हमारी जान को खतरा है, तो कभी भी नहीं खोल, और ना ही वो कभी आएंगे भी सही। वो मेरे पति के दुश्मन है, मेरे दुश्मन है। और एक बात आपको बताऊं, जो मेरे सचिन का दुश्मन है ना, वो तो मेरा मुझे खटकता है, वो मैं उनको मुझे बिल्कुल अच्छा इंसान नहीं लगेगा। जो मेरे सचिन को गाली देगा वो मेरे लिए बहुत बुरा है, तो उनके लिए मेरे दरवाजे घर के बंद है। अगर बच्चे सर मैं कैसे बताऊं, बच्चे उनको पहचाने के तक नहीं, हाँ फिर भी मिलने चाहेंगे तो कानून तरीके से थोड़ा मिला लेंगे, पर मुझे नहीं लगता मेरे बच्चे उनको मिलना भी चाहेंगे, उनके पास भी चाहेंगे। अगर पिता का दावा करता है तो कानून जो होगा कानून तरीके से होगा, बाकी हम उनको घर आने नहीं देंगे क्योंकि वो हमारे लिए खतरा है, मेरे पति के लिए वो खतरा है। तो मैं उनको घर आने के लिए कभी भी, हमारे घर के दरवाजे उनके लिए तो बंद है, बाकी अगर मिलना चाहेंगे तो कानून तरीके से मिल सकते हैं। फिर वो हमारे किस्सा बहुत अच्छे हैं, बड़े लॉयर, तो उनके विश्वास है हमको बहुत ज्यादा, मुझे विश्वास है, मेरे लड़के हैं, मेरे भाई भी हैं, मुझे बहुत विश्वास है उनपे, हमें इंसाफ ही मिलेगा। इसमें शुरू से आखिर तक हमें कामयाबी ही मिली है इस केस में, ऐसा नहीं है कोई हमें नई कामयाबी हो, बहुत सारी कामयाबी हमें इस केस में मिली है। इस हवाले से जो सीमा की सबसे अहम जो पिली थी कि मेरी और जो गुलाम हैदर की तलाक हो चुकी, इस सीमा की सबसे बड़े में बड़ी पिली को हमने मिट्टी में मिला दिया है। तो इस हवाले से बड़ी पेशरफ्त है जो चंद ही दिनों में आपके सामने रखेंगे, लेकिन मैं आपको इशारतन ये बता देता हूँ कि सीमा की वो पिल्ली मिट्टी में मिल चुकी है। कि सीमा कहती है कि मेरी गुलाम हैदर से तलाक हो चुकी है वर्बली और वो मेरा मियां नहीं था। तो ये सबसे बड़ी कामयाबी हमें मिल चुकी है सीमा की, वो मिट्टी में मिल चुकी है पिली। और आप तमाम देखेंगे लोग कि वो जो सीमा का झूठ था वो आप तमाम लोगों के सामने जो है वो आ चुका है। इंशाल्लाह वो चंद ही दिनों में वो हम आपके सामने वो डॉक्यूमेंटेशन जो तमाम रखेंगे। उसके हवाले से जो इस्लामाबाद जाने का प्लान है वो हमारा जो नेक्स्ट वीक है वो स्केड्यूल हमारा पहले से बना हुआ है कि हम नेक्स्ट वीक इस्लामाबाद होंगे और इस्लामाबाद से ही हम आपसे मुखातिब होंगे। देखिए ये जो केस है ये प्री प्लान केस है, इसके हमने स्टेजेस जो है ना मुकर्रर कर रखे थे। शुरू से आखिर तक आप देख रहे हैं कि मेरी एक ही बात है कि मैंने कहा था कि गुलाम हैदर की जरूरत नहीं है, उसके फादर की जरूरत है, हम उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। जिस दिन गुलाम हैदर की जरूरत होगी तो गुलाम हैदर को मैं कॉल करूंगा, गुलाम हैदर दूसरे दिन पाकिस्तान में होंगे। ऐसा ही हुआ, जब तक गुलाम हैदर के फादर की जरूरत थी हमने उसको यूटिलाइज किया, जब गुलाम हैदर की खुद की जरूरत को पेश आई तो हमने गुलाम हैदर को कहा कि आप नेक्स्ट डे पाकिस्तान में होंगे, तो गुलाम हैदर ने ही ऐसे ही किया। गुलाम हैदर ने वहां के सऊदी अरेबिया में अपनी जॉब खत्म की, अपना सामान समेटा, अपना सारा सिस्टम वहां पे बंद किया और गुलाम हैदर पाकिस्तान में आया। आप तमाम लोगों के वो सामने है। अब अकॉर्डिंग टू प्लान कुछ डॉक्यूमेंटेशन थी उस हवाले से गुलाम हैदर को मैंने वो सजेशन दी हुई है, तो गुलाम हैदर उस डॉक्यूमेंटेशन के पीछे लगे हुए हैं। वो डॉक्यूमेंटेशन जो है वो कंप्लीट होने को थी लेकिन कुछ रुकावटें उसमें जरूर आई, तो उस हवाले से मेरा कुछ प्लान अभी थोड़ा चेंज हो चुका है। अब सैटरडे को गुलाम हैदर को मेरे पास आना था हैदराबाद या कराची, लेकिन अब प्लान में थोड़ी चेंजिंग कर दी क्योंकि कुछ डॉक्यूमेंट्स में रुकावटें थी, तो उस हवाले से अब गुलाम हैदर के पास मैं शहदादपुर जा रहा हूँ।
बस कुछ मसरूफियात वहां पर सजेशन मैंने दी हुई थी गुलाम हैदर को, उसके फादर को, कुछ वहां पे कम्युनिकेशन थी, कुछ डॉक्यूमेंटेशन थी जो रिक्वायर थी इस केस के वाले से, वो इंतहाई अहम थी। डिस्क्लोज करना तो कबल वक्त होगा, लेकिन वो जरूरी कागजात थे जिनके पीछे लगे हुए थे, उसमें कुछ रुकावटें थी जरूर, तो गुलाम हैदर भी उसमें गया, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ रुकावटें मजीद थी। तो इस हवाले से कम्प्लीट हो करके गुलाम हैदर को मेरे पास सैटरडे को आना था, संडे को आना था, तो फिर हमारा इस्लामाबाद का प्लान यकीनी है और रहेगा भी सही इंशाल्लाह, अल्लाह पाक ने चाहा तो। उसको परसू करने के लिए मैं खुद जा रहा हूँ, संडे को इंशाल्लाह मैं गुलाम हैदर के गांव में होऊंगा, मंडे को हम वो तमाम डॉक्यूमेंटेशन मैं खुद जाके वहां पे करूंगा, और जो नेक्स्ट वीक है वो हम इस्लामाबाद में होंगे, इस्लामाबाद में जाके आप लोगों से मुखातिब होंगे। कुछ मामला ऐसे हैं, कुछ सिक्योरिटी रीजन भी हैं, तो डायरेक्टली हम आपको डेट टाइम ऑफिस वो तो नहीं बता सकते, ऐसा नहीं है कि फिर कुछ जनाब लोग वहां पर मौजूद हों और रोशन और गुलाम हैदर वहां से कहीं चले जाएं कोई बड़ी यात्रा पर, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि केस ऐसा सेंसिटिव है तो हमें थोड़ा इसको रखना है अपने हिसाब से, प्राइवेसी रखनी। देखिए मैं शुरू से आखिर तक इस केस की प्राइवेसी रखता हुआ आ रहा हूँ, हमें कोई इतना डर तो नहीं है, क्योंकि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी हमारे मुल्क के इदारे जो है वो हमारी सिक्योरिटी के लिए जरूर है, लेकिन कुछ ऐसे अनासर हैं जो इस केस को खराब करना चाहते हैं। आपने देखा कि यूट्यूब पर भी कुछ लोग ऐसे थे जो केस को खराब करने की उन्होंने बड़ी कोशिश की, तो उनको मैं कोई मौका नहीं देना चाहता। हम तो सिक्योर हैं हमारे मुल्क में, मुल्क की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी इदारे हमें सिक्योर करते हैं, सिक्योरिटी देते हैं, ऐसा कोई डर और नहीं है, लेकिन कोई केस को खराब ना कर दे इस हवाले से, सेंसिटिव केस है तो इस हवाले से। लेकिन मंडे को नेक्स्ट वीक में हम इंशाल्लाह इस्लामाबाद में होंगे, आप तमाम लोगों से मुखातिब होंगे, लेकिन इस्लामाबाद से पहले मैं खुद गुलाम हैदर के गांव में होऊंगा और आपसे मुखातिब होऊंगा इंशाल्लाह जरूर। पूरी टीम है हमारी जिसमें मैं हूँ, गुलाम हैदर है और को बहुत सारे और रिपोर्टर्स भी हैं जिसमें शाहिद हुसैन सर फहरस्त हैं, जिसमें डॉक्टर शुजात है, मोहसिन आप हैं, फयाज रामी है, तनवीर है, ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, कुछ जर्नलिस्ट हैं, बहुत सारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं। ये प्लान का हिस्सा था ना, क्योंकि गुलाम हैदर के पाकिस्तान में होने से पहले अगर मेन स्ट्रीम मीडिया को रिपोर्ट करती तो हो सकता है इतना असर ना होता, क्योंकि गुलाम हैदर पाकिस्तान में नहीं था, और यही सवाल आता कि गुलाम हैदर इस केस में इंटरेस्टेड नहीं है, अगर इंटरेस्टेड होता तो पाकिस्तान में होता। अब जबकि गुलाम हैदर पाकिस्तान में आ चुका है तो मेन स्ट्रीम मीडिया भी आ चुकी है और मेन स्ट्रीम मीडिया पर खबरें चलना शुरू हो चुकी है। सारा हमने केस प्री प्लान किया हुआ है, प्लान का हिस्सा है ईच एंड एवरीथिंग, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी, प्लान ई, तो ये सारा प्लान के मुताबिक ही चल रहा है इंशाल्लाह, ये सारा प्लान चलता रहेगा। वो प्लान जी जो होगा वो बच्चों की वापसी पाकिस्तान में होगी, और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो फिर हम सब मिठाइयां बांटेंगे और एक दूसरे को सलाम करेंगे, इंसानियत की जीत मनाएंगे। डॉक्यूमेंट्स तो मेरे पास ये पूरी गुलाम हैदर की फाइल बनी हुई है, जिसमें ये सीमा हैदर का निकानामा है और ये सारा पूरा फाइल है। क्या मैं आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाऊं, ये पूरा बंच बना हुआ है सीमा हैदर के केस का। तो अभी कुछ डॉक्यूमेंटेशन अहम है जो इस सीमा हैदर के जो का जो झूठ था उस झूठ का मुंह काला करेगा, वो डॉक्यूमेंट जो अहम है तो वो इंशाल्लाह चंद ही दिनों में आप तमाम लोगों के सामने रखेंगे। फिर पूरा हिंदुस्तान देखेगा, पूरा जो है इंडिया मेन स्ट्रीम मीडिया देखेगा, मेरे भाई जितने भी यूट्यूबर्स है पाकिस्तान से, हिंदुस्तान से, वो भी देखेंगे कि सीमा कैसे, सीमा ने झूठ बोला और मुंह में कालक फेंकी तमाम हिंदुस्तानियों के मुंह पर, तो वो जरूर आएंगे। और इस हवाले से मैं तमाम जितने भी यूट्यूबर्स हैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जितने पाकिस्तानी इसको रिपोर्ट कर रहे हैं यूट्यूबर, जितने हिंदुस्तान के यूट्यूबर्स इसको रिपोर्ट कर रहे हैं, उन तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हमारे भाई हैं जो हम वकील होते हैं, जो हम वकला होते हैं, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में हमें कहा जाता है कस्टोडियन ऑफ द सोसाइटी, हम कस्टोडियन होते हैं सोसाइटी के, सोसाइटी के जितने भी मामला होते हैं हमने देखने होते हैं, हमें कवर करने होते हैं, हमें सोसाइटी में कहाँ गैप हो रहा है, कहाँ इंसानियत की तोहीन हो रही है, कहाँ फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन हो रही है, तो हमें वो देखना होता है, हम कस्टोडियन होते हैं, तो ये हमारा फर्ज में शुमार है। हमने किसी पर कोई एहसान नहीं किया है, हमारे फर्ज है जो हम निभा रहे हैं। स्पेशली आप देख रहे हैं कि हिंदुस्तान में भी बहुत सारे वकला इस केस को देख रहे हैं और आगे वो आ रहे हैं, अवेयरनेस लोगों को दे रहे हैं, उन तमाम वकला का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, ये जितने भी यूट्यूबर्स वीडियो बनाते हैं और नीचे जितने लोग कमेंट्स करते हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, वो हौसला देते हैं। देखिए उन तमाम वकला का भी हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, क्योंकि वकील बड़ा मसरूफ होता है, टाइम नहीं होता है,
हम अपनी फैमिली को ही बड़ा मुश्किल से टाइम देते हैं, फिर मसरूफियात के बावजूद भी कुछ इंडिया के हिंदुस्तान के जो लॉयर्स हैं, लॉ स्टूडेंट्स हैं, जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, वो अपनी मसरूफियात छोड़ के इस केस को कवर कर रहे हैं, लोगों को जो अवेयरनेस दे रहे हैं और आगे चल के गुलाम हैदर की, गुलाम हैदर के बच्चों की मदद करना चाहते हैं, मदद कर भी रहे हैं, उन तमाम लोगों को सलाम भी करना चाहते हैं, उनका थैंक्स भी करना चाहते हैं, और वो अपनी अपनी जो उसके डोमेन में रहकर जो काम कर रहे हैं उनको वहां पर बड़ा अच्छा वो मिल भी रहा है, लोगों से भी प्यार भी मिल रहा है, मोहब्बत भी मिल रही है, मोहब्बत और बढ़ेगी जब हम हिंदुस्तान जाएंगे इंशाल्लाह। अगर वीजा मिला, उम्मीद यही है कि वीजा मिलेगा, फिर उन तमाम वकला की हम हमारी टीम है वो, हम मिल के साथ काम करेंगे, एक साथ होंगे, एक साथ कोर्ट में जाएंगे इंशाल्लाह, फतेह होगी हमारी, अल्लाह पाक मदद करेगा उनकी भी। और मैं उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ, आप काम करते रहें, हम आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपका अच्छा काम है, हमने अपने अपने डोमेन में रह के काम करना, इंशाल्लाह जीत हमारी होगी।